नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल चाड़क यूट्यूब चैनल। आपको बता दें ये तस्वीरें ब्लॉक गोडली से आ रही हैं, जहां पर ब्रह्मीन में डीडीसी काउंसलर राकेश चंद्र बोधी जी ने आज लोगों के बीच जाके स्वच्छ भारत अभियान की महत्वता को बताया और ख़ास तौर पे सरपंच पंचेज और जनता के बीच जाकर जागरूकता फैलाई कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए स्वच्छता की और आसपास की सफाई का कितनी इम्पोर्टेंस है। और कल जो है यहाँ पे एक ड्राइव होने जा रही है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। देखिए ये खास रिपोर्ट। सारा मैं आज के प्रोग्राम से अभिनंदन करना और थोड़ा सारा आभार व्यक्त करना कि तो अपना कीमती वक्त कड़ी है आज माता मरा रहे चरने से बाकी डब्बर इकट्ठे हुए साथियों। एक चीज़ सोचने ली है पर ये दिल ना सोचे, पर एक दूसरे का जोर नहीं, दूसरे का थोड़ा दबाव नहीं। क्या साड़ी कोल्डी ब्रह्मीन साड़ा ब्लॉक साफ सुथरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये सोचे। और अगर अच्छा अस बीह बरे पिछे जाचे तो मैं यकीन करना किसी ना कि अस जो निके हे लेकिन सरकार साहब तो सुनाओ कोई पता लिफाफा भी लगवा कोई टुकड़े का लिफाफा नहीं लगवा कोई प्लास्टिक का कोई रैपर कोई टाफी का कोई चीज़ नहीं लगी 20-25 साल अगर पिछले और कोल्डी जरा इन्ना साफ सुथरा हाँ 20-25 साल पहले लेकिन भक्त ने ऐसी कबड बदली। ऐसा टाइम आया कि शहर से गंदगी होती है अपनी और शहर से गंदगी की दिखाई शहर दारियाँ व्यवस्था भी की शहर दारियाँ व्यवस्था भी की गड्डिया लाइया है ना गड्डिया लाइया मशीन लाइया होर तरीके लाए और कोशिश की जाए कि गंदगी शहर से घट जाए। पर जल्द मैं ग्रां च मोड़ा वाइज घूमया मिकी लगना कोल्डी ब्रह्मीन बिच मेन सड़क पर बड़ी गंदगी है मनते हो तुस लेकिन अगर अस पंचायत ते अंदर जाचे नहीं उस ग्रां अंदर जाचे नहीं इन गंदगी है अस सोच भी नहीं सकते। और क्या असें अपने ब्रह्मीन कोल्डी गी साफ सुथरा बनाना नहीं बनाना क्या चाहने अस इतना रोजगार होऐ या चाहने आने वाले समय आस्तै जेहड़ी साड़ी जनरेशन है ओहदे आस्तै साफ वातावरण साफ सुथरा इलाका देइए जाचे उन्हें चाहते ना सारे तो सारे चाहते कि इतना टूरिज्म बता है तो चाहते सारा इतना व्यापार बता है तो सारे चाहते ना अज असें सारा इतने किट्ठे होइए एक कसम लैनी है सारे साथियों खड़ो रहा है और असें सगंध खानी है कि ब्रह्मीन साड़ा कोल्डी ब्रह्मीन जेहड़ा है असें इसी साफ सुथरा बनाना है।